हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परीक्षा है। मैं एक आईएएस एस्पिरेंट हूँ। तो आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ। मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मेरा बचपन से ही सपना था कि मुझे अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है। लेकिन उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या करना है। तो हम बस एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, फिर पापा बोलते हैं, जैसे कि बड़े होते हैं बताते हैं कि आपको ये करना है, वो करना है, ऐसे ही हमारा भी डिस्कशन हुआ, मेरा और मेरे पापा का। तो वो भी चाहते थे कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करूं, ताकि उनका भी थोड़ा सा नाम रोशन हो, अपने समाज के लिए भी मैं कुछ करूं। फिर वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन उस टाइम तक मैं श्योर नहीं थी कि मेरे को आईएएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उस टाइम पे मुझे इसके बारे में इतना कुछ पता भी नहीं था कि आईएएस क्या होता है। लेकिन मैंने 12th पास आउट की। 12th पास आउट करने के बाद मैंने उसके बाद इसके बारे में सोचा कि हाँ, आईएएस, मैंने सुना काफ़ी लोगों से कि आईएएस एक ऑफिसर होता है और मतलब बहुत अच्छी पोस्ट है उस, मतलब आईएएस बनके हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद पापा ने भी बोला, फिर मैंने भी सोचा कि हाँ, अच्छी पोस्ट है। मैंने सर्च किया, अपने दोस्तों से पूछा, अपने फ्रेंड से पूछा, टीचर से पूछा, कंसल्ट किया, तो सभी ने बोला आईएएस। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, मेरे को आईएएस ही बनना है। फिर मैंने, अब बात थी कि कोचिंग कहाँ से लूँ, उसके लिए भी मैंने पूछा, उसके लिए भी सर्च किया, तो सभी ने मेरे को बस बोला कि दिल्ली, कि दिल्ली बहुत अच्छी जगह है, मतलब पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल है वहाँ पर, मुखर्जी नगर स्पेशली बेटर है मतलब आईएएस की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको दिल्ली जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये था कि मतलब एकदम से उस लेवल पे जाके तैयारी करना, मतलब दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाना, और फिर मतलब मेरा बेस भी क्लियर नहीं था बिल्कुल भी, तो मुझे थोड़ा सा वो ठीक नहीं लग रहा था। और पहले अगर आईएएस बनना है तो उसके लिए थोड़ा सा बेस भी होना चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं एक नॉन मेडिकल स्टूडेंट थी। उसके बाद फिर मतलब मेरी एक दोस्त जो रोहतक पढ़ती थी, उसने मुझे बोला कि तू, अगर तेरे को पहले अपना बेस क्लियर करना है तो तू रोहतक आ जा, पहले यहाँ पे ट्राई कर, अगर तुझे यहाँ समझ नहीं आता है तो उसके बाद देन तू दिल्ली ट्राई कर सकती है। उसके बाद मैं रोहतक आ जाती हूँ। रोहतक मैं देखती हूँ इंस्टीट्यूट, मैंने देखे, मैंने क्लासेस अटेंड की, बट मुझे समझ नहीं आया। मतलब मुझे वो, मतलब जो कहते हैं ना कि स्पेशल कुछ, तो वो मुझे फील नहीं हुआ वहाँ पे। फिर मतलब एक दिन मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी, तो फिर उसने मुझे फिर से बोला कि जो आर्सेनल डिफेंस एकेडमी है रोहतक में, वहाँ पे यूपीएससी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे सेमिनार है, तो एक बार जाके वो अटेंड कर, क्या पता वहाँ पे अच्छा हो। तो फिर उसके कहने पे मैं वहाँ पे गई, मैंने देखा, और सरप्राइज, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी ये चीज़ें कि मतलब मैं वहाँ पे गई तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब जो मुझे प्लस पॉइंट लगे वो ये लगे कि वहाँ पे मतलब जो बैच था वो सुबह 9 से लेके और रात को 8 बजे तक है। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि मेरे को दिल्ली जैसी चीज़ मेरे को रोहतक में मिल रही है। उसके बाद एक और प्लस पॉइंट ये लगा कि जितना भी मटेरियल होगा वो कम फीस में और मेरे को यहीं से ये मतलब टीचर्स ही प्रोवाइड करेंगे, तो मुझे उसकी भी कोई टेंशन नहीं लेनी, बस मेरे को पढ़ना पढ़ना है, मेरा जो मेन फोकस होगा वो सिर्फ पढ़ाई पे ही होगा। तो मुझे ये सारे प्लस पॉइंट लगे, तो फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको जाके बताया, फैमिली को बताया, सबको बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने यहाँ पे एडमिशन ले लिया। और सही में मेरा यहाँ पर आना मेरे लिए फ्रूटफुल साबित हुआ कि मैं यहाँ पे आई, और मतलब मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन भी हो गई है, मेरा बेस भी मतलब मजबूत हो गया है। उसके बाद मेरा पहला दिन होता है, मैं जाती हूँ क्लास लेती हूँ, तो मेरे को वहाँ का एनवायरनमेंट, मेरे को वहाँ का डिसिप्लिन, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा लगा। मतलब कहते हैं कि बिल्कुल दिल्ली जैसा माहौल मेरे को यहाँ पे मिला, उस बैच में मिला, और कम बच्चे, तो हर टीचर का मतलब उनका मेन मोटिव था कि उनको कम बच्चे लेने हैं, और ऊपर से फिर टेस्ट लेके फिर उनको बच्चे लेने थे, तो जाहिर सी बात ही पढ़ने वाले ही आएंगे उसमें। तो टेस्ट वगैरह दिया, हमारा सिलेक्शन हो गया, मैं वहाँ पे चली गई, और सीरियसली मेरे को बहुत अच्छा भी लगा कि मेरे उस हिसाब से तैयारी हो रही है जिस हिसाब से मैं सोच के आई थी, या जैसा मैंने सोचा था कि मेरे को वैसा कुछ चाहिए। और मैं सभी को एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े शहरों में जाके ही मतलब अच्छी कोचिंग ले सकते हैं। जब आर्सेनल डिफेंस एकेडमी जैसे इंस्टीट्यूट रोहतक में है,
तो आई थिंक तो इतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, तो एक बार सबको ट्राई जरूर करना चाहिए। थैंक यू।